पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया ने रूस की सरकार पर अपने ही लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया और दावा किया कि यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर रूस की फौज को कड़ी टक्कर दे रही है। इतना ही नहीं, वैगनर ग्रुप के मुखिया यवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक रूस कब्जे वाले कई इलाकों से हाथ भी धो चुका है, लेकिन इसके बावजूद रूस की सरकार जंग में बढ़त बनाने के दावे करके अपने ही लोगों को गुमराह कर रही है। वैगनर ग्रुप के चीफ ने दावा किया कि रूस जंग में हथियारों और गोला बारूद की कमी से भी जूझ रहा है, लेकिन सरकार इसे भी लोगों से छिपा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो रूस को क्राइमिया से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ ने बागी तेवर दिखाए हों। इससे पहले वो कई बार रूस की फौज पर निशाना साधते आए हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के एक Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस का वो हेलीकॉप्टर यूक्रेन एक सैन्य ठिकाने पर बमबारी करने के इरादे से पहुंचा था, लेकिन दावा किया गया कि पहले से ही अलर्ट यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के उस हेलीकॉप्टर पर रॉकेट लॉन्चर की मदद से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही रूस के खतरनाक Mi-24 हेलीकॉप्टर को हवा में ही तबाह कर दिया। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के किस इलाके में रूस के उस हेलीकॉप्टर को ढेर किया।